एंड्रॉइड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए डेली न जाने कितने सारे एप्लीकेशन जो है डेवलप किए जाते हैं। कुछ एप्लीकेशन जो है काफी ज्यादा हाइपर लेवल तबाही वाली एप्लीकेशन होती है, उन्हीं में से कुछ जो है प्रोडक्टिविटी वाले एप्लीकेशन के बारे में जो डिस्कस करूंगा इस वाले वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर डी। तो बताना भूल गया था कि एक एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशन भी हमारे इस लिस्ट में उन लोगों के लिए जो ये वीडियो जो है लास्ट तक का देखेंगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर। सिग्नल स्ट्रेंथ, तो ये काफी ज्यादा सिंपल बट काफी ज्यादा जो है प्रोडक्टिव एप्लीकेशन है जिसका यूज करके जो आप रियल टाइम में पता लगा सकते हो कि आपके घर में, ऑफिस में, जिम में या फिर जो है कहीं पे भी जहाँ पे आप कम या फिर जो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे आपके मोबाइल या फिर जो वाईफाई का सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो कितना कम या फिर जो है ज्यादा है। और जिस वाली जगह पे भी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा है उस वाले प्लेस को जो सेव कर लो कि भैया अब तो ये जगह हमारी है। और इसके अलावा जहाँ कहीं पे भी सिग्नल स्ट्रेंथ कम है उस वाले प्लेस को जो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो व्हाइल यूजिंग इंटरनेट या फिर जो ड्यूरिंग कॉल्स। तो एप्लीकेशन जो काफी ज्यादा सिंपल है, सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करना एंड सारा कुछ जो भी डिटेल है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेगा। डे वाइज प्रोडक्टिविटी के मामले में ये वाला एप्लीकेशन जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि हमारे फोन में डेली न जाने कितने सारे जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और बार बार लगातार हम नोटिफिकेशंस को जो है चेक भी करते रहते हैं कि क्या जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिससे टाइम तो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, साथ में आप अपने काम पे, पढ़ाई पे जो फोकस भी नहीं कर पाते हो। तो ये वाला एप्लीकेशन जो उन सभी नोटिफिकेशंस को जो बंडल करते रहता है और आपके शेड्यूल टाइम पे, जैसे कि आपको जो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे चाहिए 8 बजे 9 बजे उस टाइम पे, या फिर जो लंच में 2 बजे 3 बजे चाहिए, या फिर जो इवनिंग में 5 6 बजे चाहिए, या फिर जो डिनर के बाद जो आपको, या फिर 10 बजे के आसपास जो भी हो, आप अपना टाइम जो खुद के हिसाब से जो शेड्यूल कर सकते हो एंड उसी टाइम पे जो सारे नोटिफिकेशंस आपको जो एक बारी में जो है आ जाते हैं और आप उस फ्री टाइम में जो अपने सारे नोटिफिकेशंस को जो चेक कर सकते हो। सो प्रोडक्टिविटी जो है काफी ज्यादा हाइपर लेवल तबाही वाली है जिससे आप जो अपने काम पे, पढ़ाई पे जो फोकस कर सकते हो और जिंदगी में जो कुछ आगे बढ़ सकते हो। HQ Walls, तो ये एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको जो कमाल कमाल के जो सुपर हीरो वॉलपेपर्स जो है मिल जाते हैं वो भी 4K क्वालिटी में। और जैसा कि भाई लोग आप सभी को तो पता होगा कि एवेंजर्स एंडगेम जो है आने वाला है तो सुपर हीरोज का जो क्रेज है वो हाइपर लेवल पे होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, कैप्टन मार्वल और थानोस जैसे कितने सारे जो सुपर हीरोज या फिर जो सुपर विलन्स के वॉलपेपर जो है HD क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगे। एंड ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पे आपको केवल जो है सुपर हीरोज के वॉलपेपर ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा भी जो यहाँ पे पूरी एक कैटेगरी मिल जाती है जहाँ पे आपको जो कार्स, नेचुरल एनिमीज जैसे बहुत सारे जो वॉलपेपर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे एक सर्च का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप जो है डायरेक्टली सर्च करके जो है अपना फेवरेट जो वॉलपेपर है उसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर जो सेट एज वॉलपेपर भी कर सकते हो। ब्रेव ब्राउजर, तो जैसे कि आजकल सभी का धंधा जो है वो एड से ही चल रहा है बट इस वाले ब्राउजर में आपको ना ही प्री इंस्टॉल्ड एड्स जो है देखने को मिलेंगे और ना ही ये ब्राउजर जो है किसी भी वेब पेज को जो है एड्स शो करने देगा। तो ब्राउजर के होम स्क्रीन पे ही आपको क्लियरली शो हो जाएगा कि अभी तक जो है कितने एड्स एंड कितने ट्रैकर्स को जो ब्लॉक किया है और किसी भी वेब पेज को ओपन करके जो है आप यहाँ से HTTPS एवरीवेयर, थर्ड पार्टी कुकीज, स्क्रिप्ट एंड फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन को जो है ऑन या फिर जो ऑफ कर सकते हो। और जैसे ही सेटिंग्स में आप जो बैकग्राउंड प्लेबैक को ऑन कर देते हो तो आप जो यूट्यूब के वीडियोस को भी जो बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो है अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को जो इंस्टॉल करते हैं जो कि इसमें इनबिल्ट है। तो नेम के अकॉर्डिंग ही ये एक हाइपर लेवल वाला जो है ब्रेव ब्राउजर है। और डाउनलोडिंग स्पीड की बात करो तो इसमें जो है आपको UC ब्राउजर जितना फास्ट जो है डाउनलोडर मिलता है जो कि रियल में जो है काफी ज्यादा फास्ट है। और प्राइवेसी के हिसाब से भी आप क्लियरली जो है यहाँ पे माइक्रोफोन एंड कैमरा को जो है डिसेबल भी कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है बोलो, तो आपके घर में जो है 2-3 साल के छोटे बच्चे तो जरूर से होंगे ही, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वाला एप्लीकेशन जो है काफी ज्यादा मैंडेटरी है क्योंकि इस वाले एप्लीकेशन का यूज करके जो है आपके छोटे छोटे बच्चे जो है इंग्लिश या फिर हिंदी में जो है बोलना सीख सकते हैं। तो इसमें आपको जो बहुत सारे हिंदी एंड इंग्लिश जो है स्टोरीज देखने को मिल जाती है और गूगल असिस्टेंट उन सभी स्टोरीज को लाइन बाय लाइन सुनाता है, देन बच्चे को भी वो लाइन बाय लाइन जो है प्रोनाउंसिएट करना होता है जिससे आपके बच्चे जो है अच्छे से इंग्लिश या फिर जो हिंदी बोलना सीख सकते हैं। या फिर कोई एक सेपरेट वर्ड का मतलब जानना है तो सिंपली उस वाले वर्ड पे जो है टैप करना है एंड टैप करते ही वो वाले वर्ड का जो हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग है वो भी जो अच्छे से बताया जाता है। तो हिंदी इंग्लिश जो स्टोरीज है वो बहुत सारी है तो सिंपली आपको 1-1 MB करके जो उन सभी स्टोरीज को डाउनलोड करना है। सो जैसे जैसे बच्चा पढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसके जो पॉइंट्स है वो भी बढ़ते रहेंगे। सो काफी जो बेस्ट एप्लीकेशन है, मैंडेटरी एप्लीकेशन है आपके बच्चों के लिए। तो फाइनली हम आ चुके अपने बोनस वाले एप्लीकेशन की ओर जो है स्लीप अवे। तो ये वाला एप्लीकेशन जो आपको खुला छूट देता है, खुला परमिशन देता है कि आप जो है घोड़े बेच करके सो जाओ एंड मैं आपको राइट टाइम पे जो है जगा दूंगा। तो कई लोग कहेंगे कि हम अलार्म लगा करके भी तो सो सकते हैं,
तो कुछ तो भी डिफरेंट है इस वाले एप्लीकेशन में, तभी तो मैंने इस वाले एप्लीकेशन को जो फीचर किया हुआ है इस वाले वीडियो में। तो अलार्म क्लॉक के जैसा आपको यहाँ पे कोई भी जो है टाइम सेट नहीं करना है कि 1:30, 2:00, 3:00, 2:30 मुझे जगा देना। यहाँ पे आपको सिंपली जो है एंटर करना है कि आपको 2 घंटे के नीचे, 3 घंटे के नीचे, 4 घंटे के नीचे, 6 घंटे के नीचे, 10 घंटे के नीचे, बस। एंड ठीक टाइम पे जो है ये अलार्म करके आपको जो है जगा देगा। एंड इसका एक और बेस्ट फीचर जो है वो है क्विक नैप का, जिसके जरिए जो है आप 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट का जो है क्विक नैप भी ले सकते हो। एंड क्विक नैप के टाइम पे अगर आपको बैकग्राउंड में फैन की नॉइस चाहिए, रेन की नॉइस चाहिए या फिर फायर की नॉइस चाहिए, तो वो सारे भी वॉइस इफेक्ट्स जो है आप प्ले कर सकते हो, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। तो इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस जो है आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।